अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने मंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसके बाद कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों में सबसे अहम ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विवेक सागर को डीएसपी बनाने का है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को डीएसपी नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसके अलावा पीएम आदर्श ग्राम योजना के हितग्राहियों के लिए 166 करोड़ रुपए प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में बिजली संकट को लेकर भी चर्चा हुई है। हमारे जो बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, या जो कह लें 15 वर्ष से ऊपर के लोग, इन्हें साक्षर करने का सरकार ने अब तय किया है और तय भी किया है, लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि सन 25-26 तक जो 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं इन्हें साक्षर करेंगे और 84 करोड़ की सहमति इस पर प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये खासकर हमारे एससी वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा बनाई है और इसमें 186 करोड़ का प्रावधान करके 966 गांवों को लाभान्वित करने का मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है।